नमस्कार, मैं प्रिंस, बिहार बोर्ड के तमाम छात्रों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं एग्ज़ाम सीरीज की वीडियो पे काम कर रहा हूं, तो आज मैं 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम सीरीज की चौथी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है। तो समय न गंवाते हुए मैं अपने पहले सवाल पे आऊँगा, जिसमें लिखा हुआ है आई डैश डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ऐसे सवाल आप देखेंगे कि मॉडल पेपर में भी बहुत सारे दिए गए हैं। CTBO चूज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें एम भरना है, विल भी भरना है, वाज भरना है और वेयर भरना है। तो आप ध्यान देंगे गोइंग लगा हुआ है, तो एम के बाद तो गोइंग आएगा, लेकिन टुमारो जो कि यहाँ पे एक फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, आने वाला कल को इंडिकेट कर रहा है, सो कहीं ना कहीं फ्यूचर का सेंस यहाँ है। तो हमारा सही आंसर होगा आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मतलब कि अगर वाज देखते हैं तो वाज भी यहाँ पे से वो तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, और वेयर का तो वो भी पास्ट और आई के साथ वेयर लगता नहीं है, सो बी इज अ राइट आंसर, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि गोइंग लगा हुआ, अगर गो रहता है तो हम आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, आई सेल लगाएंगे, आई के साथ ऐसे सेल लगता है, लेकिन फर्स्ट वाले सवाल में सेल का कहीं ऑप्शन है नहीं, इसलिए नीचे मैंने एक लिखा कि आई डैश डैश गो टू दिल्ली टुमारो रहता तो आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो होता। नेक्स्ट सवाल दो नंबर देखेंगे, व्हेन श्याम डैश डैश बैक ही विल फिनिश हिज वर्क। जब श्याम बैक होगा, जब श्याम वापस आएगा, ही विल फिनिश हिज वर्क, तो वह अपना काम को फिनिश करेगा। ध्यान देंगे कॉम कॉम्स टू कमिंग और केम भरना है, तो जब दो व्हेन श्याम कॉम्स, जब श्याम वापस आता है, ही विल फिनिश हिज वर्क, तो वह अपना काम को पूरा करेगा। यानी कि जब दो फ्यूचर की घटनाओं को हम जिक्र करते हैं तो एक को हम फ्यूचर इंडिफिनिट में और एक को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं, तो व्हेन श्याम कॉम्स, कॉम्स इज राइट आंसर। थर्ड नंबर सवाल देखेंगे, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश लाई बिटवीन 1115 टू, ये हमारे 100 मार्क्स इंग्लिश में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमें पढ़ना है उसमें कुछ पीरियड दिए हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 AD से लेकर के 166 AD तक रहा, मिडिल इंग्लिश का 1115 से लेकर के 15 AD तक रहा और 1500 AD तक रहा, और मिड मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 AD से लेकर के ऑनवर्ड यानी कि आज तक चल रहा है। अभी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में हम लोग जी रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो 1150 में शुरू हुआ था वो कब खत्म हुआ, कब तक चला था। आप ध्यान देंगे 1150 से शुरू होकर के 1500 AD तक मिडिल इंग्लिश का पीरियड रहा। आप ये जाकर के स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इसको देख सकते हैं और पीरियड को याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे पीरियड हैं, एलिजाबेथन युग हैं, मिल्टन युग हैं, तो ऐसे बहुत सारे पीरियड हैं इंग्लिश में। फोर्थ नंबर सवाल देखेंगे, ही डैश डैश बी 25 नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल 25 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर भी वही है जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो सेल ही के साथ तो लगता नहीं है, विल है, वाज लगेगा तो फिर वाज पास्ट को इंडिकेट करेगा, और विल भी लगेगा तो फिर ING लगेगा, सो बी इज अ राइट आंसर, ही विल बी 25, वो 25 को 25 वर्ष का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अगले साल। नेक्स्ट जो है आपका 100 मार्क्स पोएट्री नहीं प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है द सोल्जर इज अ डैश डैश पोएम। सोल्जर जो पोएम है वो किस तरह का पोएम है, लव है, हैप्पी है, वार है और नेचर है। तो आप लोग पढ़े होंगे, आई होप जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग को पता होगा कि सोल्जर जो है एक प्रकार का वार पोएम है, जिसको रॉबर्ट ब्रुक साहब ने लिखा था द सोल्जर, तो द सोल्जर इज ए वार पोएम, ये भी आई क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा द सोल्जर इज ए वार पोएम। हर पोएम का अपना अपना एक नेचर होता है। सिक्स नंबर सवाल देखेंगे, एन एपिटाफ इज रिटन बाय। मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जितने भी राइटर हैं और जितने भी राइटर ने जो भी हमारे यहाँ लेसन पढ़ने को मिला है, जो पाठ कहे हैं उनको याद रखिए, यानी कौन पाठ के कौन से राइटर हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके कौन कौन से वर्क हैं, इसको याद रखिए। 4-5 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो लिखा हुआ है एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है, आप देखेंगे कि वाल्टर डीला मेयर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 मार्क्स इंग्लिश में वाल्टर डीला मेयर ने एन एपिटाफ लिखा, और 50 मार्क्स में इन्होंने इको लिखा था, यानी कि जॉन किट्स को आप लोग जानबे करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, जॉन किट्स ने और टू अटम लिखा, और जॉन डॉन ने तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा। तो यहाँ कर एन एपिटाफ मतलब कि समाधि लेख, एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, जिसके लेखक हैं वाल्टर डीला मेयर। नेक्स्ट जो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे, ब्रेड एंड बटर डैश डैश गुड,
ब्रेड एंड बटर जो हैं वो अच्छे हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग एंड से देख करके यहाँ पे आर को टिक करेंगे और आपको फंसाने के लिए भी पहला ऑप्शन आर ही दिया गया है। लेकिन सिंटेक्स, ये सिंटेक्स का सवाल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल होता है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जोड़े जाए लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को वे शो करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड लेबर एंड स्टूडेंट हैज कम होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और हो सकता है टू एंड टू मैक्स फोर होता है। टू एंड टू मैक फोर नहीं होगा, टू एंड टू मैक्स फोर होगा। यानी कि हम हर हाल में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एक और होता है फिश एंड चिप्स, तो इज आर नहीं होगा, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। सो अच्छे एक और ध्यान देंगे, स्लो एंड स्टडी विन नहीं होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि हर हाल में हम ऐसे जब एक ही चीज़ का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एट नंबर हमारा सवाल है, सचिन तेंदुलकर इज डैश डैश अ ब्रेडमैन। ये एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आप इसके लिए थोड़ा सा ग्रामर को अंदर से अध्ययन करना पड़ता है, डीप जाकर के अध्ययन करना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम ध्यान देंगे कि एक नोट भी वहाँ पर रहता है कि प्रॉपर नाउन का अगर हम किसी से तुलना करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की तुलना हम ब्रेडमैन से कर रहे हैं, तो उस केसेस में सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रेडमैन, यानी सचिन तेंदुलकर जो है वो ब्रेडमैन के जैसे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले वह नहीं लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कहे, मैं ही कहूँ कि आई एम अ प्रिंस कुमार, नहीं कह सकता हूँ आई एम प्रिंस कुमार। सो सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रेडमैन, सचिन तेंदुलकर ब्रेडमैन के जैसे हैं। नेक्स्ट नाइन नंबर सवाल देखेंगे, थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। आप पढ़ेंगे 100 मार्क्स में, आपको एक चैप्टर पढ़ना है पोएट्री में सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, इसका थीम क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टिक नहीं किया हूँ लेकिन टिक यहाँ का इसका ए बी राइट आंसर होगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल मदरहुड का कोई सेंस नहीं बनता है, यूनिवर्सल तो है वैश्विक, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो है वैश्विक भाईचारा की बात करता है। सो सी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। 10 नंबर और इस वीडियो के अंतिम सवाल को हम देखेंगे, लाला सोहन लाल एंड डैश वेयर वंस द बेस्ट फ्रेंड। लाला सोहन लाल और कौन जो है बेस्ट फ्रेंड है, ये आप 100 मार्क्स इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रोज सेक्शन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको, ए पिंच ऑफ स्नप, जिसके लेखक है मनोहर मालगावंकर। तो लाला सोहन लाल और इसका आंसर बी होगा वेलफेयर मिनिस्टर। लाला सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं, कल्याणकारी मंत्री जो हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने कुछ और भी बातें यहाँ पर मैंसन किया, जैसे मनोहर मालगावंकर की दो किताबें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, डिस्टेंस ड्रैम और बॉम्बे बीवेयर। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और उन दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें जो इस बार 12th के एग्ज़ाम खास करके देने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।